औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खुशी का मौका इसलिए भी कि आज जितने हमने देखा कि दिलचस्पी से नौजवान हमारे क्रिकेट खेल रहे थे, उसी दिलचस्पी से हमारे बुज़ुर्ग भी और बाकी बच्चे जो तमाशाई हैं, यही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा इलाका गेम्स में, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सारी गेम्स में माशाल्लाह बहुत आगे थे, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो काफ़ी टाइम से शायद हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से दूरी हो गई हम लोगों की। दोबारा इस चीज़ को आपने ही कामयाब करना है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसको भी आपने जहन में रखना है कि मेन जो आपकी बुनियादी चीज़ है वो तालीम है। अब ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स हमें ये कहें कि जी बच्चों की तालीम में आज हो रहा है, गेम्स आप जितना कहेंगे जी 12 महीने में जो आपको इजी लगे, ये हम ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए इधर अनाउंस करते रहा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों को, जिस तरह ये खुशी का मौका है, आपने ट्रॉफी जीती है जी माशाल्लाह, छन्नी सिक्का जो मिक्स टीम थी पंडोड़ी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और बाबर साहब जो क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला किया इन्होंने। बाकी टीमों का चूँकि मैं मैच नहीं देख सका, लेकिन अभी पता चला है कि माशाल्लाह हमारी जितनी भी लोकल टीम इस कप में हिस्सा लेती हैं, मैंने तो ये सुना जी कि सबके मैच माशाल्लाह बहुत दिलचस्प हुए, बहुत अच्छी बात है। अभी जो नेक्स्ट डेट अनाउंस करेंगे वो अभी मशावरत करते हैं इनसे और आप सब दोस्तों के नोटिस में दी जाएगी। बाकी जो प्रोसेस है वो आप सारे कप्तान हजरात बैठ के कर लीजिएगा। बहरहाल दोबारा एक दफ़ा आप सब अहबाब का, जो भी बुजुर्ग बच्चे खिलाड़ी सारे जो है, उनका शुक्रिया कि मेन चीज़ जो है ये गेम्स, इसलिए हम आपके लिए दोबारा बार बार अनाउंस भी करते हैं। ये प्यार मोहब्बत जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम इसमें इजाफा देखना चाहते हैं। गेम खेलने का मेन मकसद ही यही है, पहले चूँकि तालीमी मैदान में भी उसमें भी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है, तो सेहत के लिए मैं देखता हूँ कि ये नहीं कि वो हमारे बच्चे किसी से पीछे हैं, लेकिन शायद कोई थोड़ी इसमें मैं अपने आप को भी कहूँगा कि सबकी सुस्ती की वजह से शायद कुछ टाइम जो है ना वो गेम्स हो नहीं सकी। आपको पता है कि कोरोना और ये चीज़ें चलती रही, वो भी शायद एक ज़रूरी था, कुछ SOPs को देखना था। बहरहाल इंशाल्लाह वो जो कमी है उसको पूरा करेंगे, वो जो गैप आया उसको भी बिल्कुल जो है ना सब अहबाब से मशवरा करके अभी नेक्स्ट डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और आप सब भाइयों का और जो जितने भी हमारे ट्रस्टीज यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी जो अहले इलाका बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा तामन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। इंतज़ामिया में जी राजा नवाज़ साहब हैं, राजा उमर साहब, राजा जुनेद कदीर साहब हैं, राजा इब्रार, रजब शाह साहब, राजा असद, काजमी डेकोरेशन साहब, जनाब ये जो हमारे पड़ोस में शाह साहब खड़े हैं, ये सबका बहुत हमारे साथ हमेशा तामन होता है जी। और सब भाइयों का, बुजुर्गों का एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रस्ट की तरफ से भी। और अब मैं किबला शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपसे गुफ्तगु भी करते हैं। और एक चीज़ एंड में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुअद्दब तरीके से हमारे बुजुर्ग जिनकी आज फौतगी हुई है, डेथ हुई है, उनके लिए साहब अब आप से रिक्वेस्ट है कि दुआ भी की जाएगी उनके लिए। क्या साहब?